सर MBA CET का रिजल्ट कब आएगा, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आई एम गेटिंग एज ऑफ नाउ। ऑलमोस्ट 50 डेज से ज़्यादा का टाइम हो गया है, रिजल्ट का पता नहीं है यार। MCA CET का रिजल्ट दे दिया उन्होंने, लॉ का रिजल्ट दे दिया उन्होंने, BEd का अबाउट टू कम है, तो MBA CET का रिजल्ट के लिए इतना डिले क्यों हो रहा है? 50 दिन से ज़्यादा का टाइम क्यों चाहिए रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए? प्लीज़ मेल टू द CET से एंड आस्क देम भाई रिजल्ट कभी रिलीज कर रहे हो, ठीक है? बिकॉज आगे के भी कॉलेजेस के भी फॉर्म भरने हैं, एडमिशन प्रोसेस भी फॉलो करना है, और जिस कॉलेज में इंटरव्यू GD राउंड है वो भी प्रोसेस करना है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, क्या परसेंटाइल मेरा आया हुआ है सो दैट आई कैन अप्लाई फॉर द कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें भी अभी आने वाली है। फुल फ्लेज में अभी प्रेशर होगा स्टूडेंट के ऊपर घर वालों का कि भाई बेटा कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, कब एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इफ यू आर पेरेंट हु आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, तो उनको मेरा यही बोलना है कि बच्चे की भी गलती नहीं है, CET ने रिजल्ट ही रिलीज नहीं किया अभी तक। जैसे CET सेल रिलीज करेगा, MMS के थ्रू यू हैव टू फॉलो द कैपराउंड प्रोग्राम, और PGDM के लिए आपको जो भी कॉलेज में जाना है उसका फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है? तो CET का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कॉलेजेस भी के जो फॉर्म भरने हैं आपको PGDM के लिए वो भी चालू होंगे, और जो कॉलेजेस आपको कैपराउंड के थ्रू MMS प्रोग्राम के लिए मिलेंगे वो आपको कैपराउंड के थ्रू जाना रहेगा, ठीक है? तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि CET का जो रिजल्ट है वो आपका मोस्टली ये वीकेंड आना चाहिए, सैटरडे संडे, ठीक है? लास्ट वीक से आई एम एक्सपेक्टिंग कि लास्ट वीक में आ जाएगा, बट हाँ धीरे धीरे सारे अपडेट आ रहे हैं, बट उसके पहले आपका आएगा ऑब्जेक्शन रेड्रेसल, जहाँ पे जितने लोगों ने क्वेश्चन जो गलत थे या ऑप्शन गलत थे उसको ऑब्जेक्शन के लिए उन्होंने रेज किया था, उसमें कितने उन्होंने अपडेट किए हैं, रिजॉल्व किए हैं, और उसमें कितने उन्होंने नहीं रिजॉल्व किया उसका क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों की डिटेल आपको ऑब्जेक्शन रिड्रेसल पहले आएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वीक में ऑब्जेक्शन रिड्रेसल आ जाएगा, और मोस्टली संडे तक या मंडे तक तो रिजल्ट रिलीज करना चाहिए। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि भाई अराउंड 12-13 तारीख आप पकड़ के चलो रिजल्ट आने का, ठीक है? 15 तारीख के पहले मोस्टली आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको चालू होना है आपके एडमिशन प्रोसेस को लेकर। कैपराउंड अभी तो उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है, बाकी जितने भी CET के रिजल्ट अभी तक रिलीज़ किए हुए हैं कैपराउंड को लेकर के अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है, पहले रिजल्ट आ जाता है फिर हम कैपराउंड प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो आफ्टर CET रिजल्ट ये कॉमन क्वेश्चन आने वाले हैं, मेरा ये परसेंटाइल है मुझे कौन सा वाला कॉलेज मिलेगा एंड विच कॉलेज आई शुड अप्लाई। अगर अपना 99+ परसेंटाइल है तो भाई JB सिडनम, वेलिंकर, पुम्बा, SIS, डालमिया, ये सारे कॉलेज अपने को मिलने वाले हैं फॉर द MMS प्रोग्राम, ठीक है? या 98 के ऊपर हो तो भी आपको ठीक ठाक कॉलेज मिलेगा, 97 के ऊपर हो तो भी आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? एंड आफ्टर देन डिपेंडिंग ऑन द परसेंटाइल और कॉलेज आपको MMS प्रोग्राम मिलेगा। PGDM के लिए आपको कॉलेज का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, वो कैपराउंड के थ्रू नहीं है। आई रिपीट, PGDM के लिए आपको अलग से कॉलेज का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है? तो किस कॉलेज में अप्लाई करना है, आपका क्या परसेंटाइल है, आपका परसेंटाइल 80 है, आपका परसेंटाइल 90 है, 70 है, 60 है, 50 है, या जो भी आपका परसेंटाइल आएगा रिजल्ट के बाद, तो उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, GDPI वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करना है फॉर द PGDM में आपके इंटरव्यू राउंड भी होंगे, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है अपने को। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वेदर यू आर मैन्युअल स्टूडेंट और यू आर नॉट मैन्युअल स्टूडेंट डजेंट मैटर, सेंटर आप विजिट कर सकते हो आफ्टर CET रिजल्ट। मैं डेट भी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो जैसे रिजल्ट का आएगा उसमें मैं डेट दे दूंगा। विल बी कीपिंग दी MBA वर्कशॉप, जहाँ पे हम स्कोर परसेंटाइल जो आया हुआ है उसके बेसिस पे क्या क्या कॉलेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या कॉलेज हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, उसको लेके विल बी कंडक्टिंग दिस सेशन एट ऑल द सेंटर्स, ठीक है? दादर ब्रांच, बोरीवली ब्रांच, अंधेरी ब्रांच, थाने एंड वसई। अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो सेंटर विजिट कर लेना, इन पर्सन यू कैन मीट मी, यू कैन मीट द एंटायर टीम हु विल बी गाइडिंग यू फॉर द प्रोसेस। और अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो तो ऑनलाइन के सेशंस को लेकर के अगेन वी विल बी गाइडिंग यू, और कैपराउंड को लेके विल बी गिविंग यू वो नंबर, आगे कैपराउंड के जो प्रोसेस चालू होंगे, एडमिशन प्रोसेस चालू होंगे, उसको लेकर के यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम एंड टीम विल बी गाइडिंग यू, और वीडियोज़ वगैरह भी इस पर आते रहेंगे चैनल पर। मैन्युअल MBA एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज राइट MBA कॉलेज। 8-10 लाख की फीस भरने वाले हो आप, किसी किसी कॉलेज में ज़्यादा भी है, 12-15 लाख भी है, किसी कॉलेज में 7-8 लाख है। तो भाई अगर इतनी फीस भरने वाले हो तो कौन सा कॉलेज चूज करना है, इस पर थोड़ा मेहनत करो, अटेंड द सेशन एंड इट इज़ अ फ्री सेशन, जो सेंटर्स पे होंगे लाइव होंगे, इट इज़ अ फ्री, कम्प्लीटली फ्री सेशन। नेक्स्ट वीडियो में मेरा गूगल फॉर्म का भी लिंक दे दूंगा मैं, जैसे रिजल्ट आएगा तो यू कैन फिल योर डिटेल्स रिजल्ट एंड आर टीम विल गाइड यू, उसको लेके भी मैं सेशन ले लूँगा, जहाँ पे कॉलेज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, राइट तरीके से
टाइम दे के चूज करना है. 2 साल का MBA करने वाले अगर प्लेसमेंट ढंग का नहीं मिला भाई आगे प्रॉब्लम होने वाली है. सो वी हैव टू चूज MBA कॉलेज वेरी वाइजली. और PGDM में आपके इंटरव्यू राउंड के प्रिपरेशन को लेके वी विल बी गाइडिंग यू, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट. बट अभी के लिए CET का रिजल्ट जो है वो आप ये वीकेंड तक वेट करो. सो मोस्टली दे विल बी रिलीजिंग द रिजल्ट. और ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैव द सेम डाउट सेम क्वेश्चन. बिकॉज अभी तो हमारा क्वेश्चन है कि भाई रिजल्ट कब आएगा. अब रिजल्ट आने के बाद ये हुआ कि अब रिजल्ट आने के बाद क्या करूँ, कॉलेज कौन सा जाऊँ, मेरा परसेंटाइल कम है तो मैं कैसे आगे ठीक ठाक कॉलेज के लिए, एवरेज कॉलेज के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए अप्लाई करूँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है. एंड दैट इज अ मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन फॉर एवरी MBA एस्पिरेंट. तो उसके लेकर के सारी इन्फॉर्मेशन विल बी गिविंग यू इन दी सेशन. ठीक है, तो सारे सेंटर्स पे जो सेशन होने वाले हैं उसकी डेट मैं नेक्स्ट सेशन में दे दूंगा जैसे रिजल्ट आउट होगा. यू कैन विजिट आवर ब्रांच अकॉर्डिंगली एंड आपके जो भी डाउट क्वेरी है यू कैन क्लियर इन पर्सन. ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो. शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. फॉर एनी काइंड ऑफ अ डाउट एंड क्वेश्चन राइट इन द कमेंट सेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट 2024 कैट एंड मैट स्नैप जो आपका 2024 में होने वाला है एंड CET 2025 एंड CMAT, ZAT, CUET को लेकर वी हैव लॉन्च बैचेस. सो यू कैन विजिट आवर सेंटर्स फॉर योर प्रिपरेशन. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.